पार्टिकल है, समझना, दो पार्टिकल है हम लोग के पास, ठीक है। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। इफ फर्स्ट पार्टिकल पुश्ड टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर मास थ्रू द डिस्टेंस d, पहले वाले को हमने शिफ्ट कर दिया किधर, जिधर सेंटर मास था, कितना शिफ्ट किया d, तो दूसरे वाले को कितना शिफ्ट करें उधर ही, जिससे सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन नहीं बदले, है ना, इंटरेस्टिंग बात। चलो अगर ये क्वेश्चन है, ये पार्टिकल यहाँ ओरिजिन पर रख दिया, आसान रहता है ओरिजिन को लेने में, और ये पार्टिकल ए मास m1 है और एक मास m2 है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इधर वो कुछ होगा हम लोगों को नहीं पता है, वो मान लेते हैं कुछ r, ठीक है। ये टू पार्टिकल सिस्टम है, द फर्स्ट पार्टिकल, अब ये पहला सिनेरियो है, पहले वाले को शिफ्ट करो, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, पहले वाले को उठा के ले आया है हमें, दिस डिस्टेंस d, तो इनका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ कहीं पर होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब वो नहीं बदलेगा यार, सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, तो दूसरे वाले को मैंने उठा के यहाँ लेके आया, एक्स एक्स लेके आया, ठीक है, जो हमें निकालना है कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे, डी इसको इधर लाया, ठीक है, इसको उठा के इधर लाया एक्स, तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है जिससे सेंटर ऑफ मास फिक्स है। तो सबसे पहले इनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो, जब यहाँ था तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0,0 था, जब ये यहाँ था तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट r,0 था, है ना, जब ये यहाँ आ गया तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया d,0, और जब ये यहाँ आ गया तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस d है, ये पूरा r था तो ये x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यार, r-x, दिस डिस्टेंस इज r-x, तो r-x,0, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है। चलो तो इनिशियली लगा दो x सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहाँ पे था, 0 प्लस m2 r और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो गया होगा प्रॉब्लम। x कोऑर्डिनेट y लिख रहा हूँ भाई, y नहीं याद, y याद आ रहा थोड़ा, तो ये, तो ये x कोऑर्डिनेट, और फाइनली जब शिफ्ट हुआ है तो इसका x कोऑर्डिनेट d, d और m1, और प्लस उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, r माइनस x और दैट इज m2, और डिवाइडेड बाई इनका समेशन ऑफ मास m1 प्लस m2, क्लियर है। तो अब एक काम करो कि कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन अप्लाई, क्वेश्चन ऐसा कह रहा, मैं नहीं कह रहा भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट इसका बदलेगा ही नहीं, जहां सेंटर ऑफ मास पहले था बाद में भी वही रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर दूं, अगर मैं इनको इक्वेट करता हूं तो m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना, क्लियर, और ये डी एम1 प्लस आर एम2 माइनस माइनस एक्स एम2 मस्ट बी डिवाइडेड बाई एम1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 ने m1 प्लस m2 को और m2 r2 को, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू आ जाएगी m1 अपॉन m2 और मल्टीप्लाई कर दिया जाए d से, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, है ना, इंटरेस्टिंग बात है, कोई कि यार ऐसे ही आ गया यार, हाँ हाँ है डी है, है।